हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं हूं डॉक्टर नवनीत कालरा और आप देख रहे हैं अपना शो डॉक्टर नवनीत कालरा शो। डेल्टा को गए काफ़ी समय हो गया है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जो थोड़ा सा मन को विचलित करती हैं। हालांकि कितनी सच्चाई है पता नहीं, लेकिन आज मैंने जो देखा मैं आज आपको दिखाना चाहता हूँ, लेकिन उसी के साथ कुछ और बात भी बताना चाहता हूँ। डरने वाली बात नहीं है पहले बता दूँ, लेकिन कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैंने अभी बताया था कि शायद कलकत्ता से न्यूज़ आई थी कि कुछ पेशेंट में डेल्टा टाइप के सिम्टम देखे गए हैं। कुछ नए सब वेरिएंट अभी पता चले हैं कोविड के भारत में, और आज अब WHO का भी ये बयान है कि BA.2.75 भारत में देखा गया है, और ये वेरिएंट थोड़ा अलग है, थोड़ा डिफरेंट है। काफ़ी सारे ओमिक्रॉन के सब वेरियंट देखे जा रहे हैं, तो इनमें से जो बताए जा रहे हैं कि जो थोड़ा हटके हैं वो है BA.2.75 एंड BA.5। आज सुबह जब मैं OPD में आया तो 3-4 पेशेंट देखने के बाद मुझे स्टाफ ने बताया, हम एक्चुअली जितने भी पेशेंट आते हैं ना तो सबके पहले ही मुझे दिखाने से पहले स्टाफ क्या करता है, जब से कोविड शुरू हुआ है हम लोग सबके ऑक्सीजन BP और पल्स वगैरह बाहर ही चेक कर लेते हैं, उसके बाद वो मुझे बताते हैं कि कौन से पेशेंट में कुछ डाउट हो सकता है कोविड का। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक सर एक पेशेंट है जिसको फीवर है 103 पिछले का 3-4 दिनों से, और साथ में उसकी ऑक्सीजन लो आ रही है 85% के आसपास। तो मेरा चौंकना स्वाभाविक था क्योंकि काफ़ी टाइम से पिछले 6 महीनों से मैंने कोई ऐसा पेशेंट देखा नहीं है, सच बता रहा हूँ। ऑलमोस्ट 6 मंथ, क्योंकि जनवरी में शुरू हुआ था ओमिक्रॉन, तब से अब तक मैंने एक भी पेशेंट सीवियर हाइपोक्सिया का देखा नहीं। मैंने पेशेंट को देखा और मैं पेशेंट को आपको दिखाने जा रहा हूँ, लेकिन एक दुर्भाग्य भी रहा मेरा जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले आप इस पेशेंट को देख लें। ठीक है, देखिए। दिखा भाई, पल्स ऑक्सीमीटर लगाओ। बुखार कब से आ रहा है? 1 हफ्ते हो गया। तो 1 हफ्ते से डॉक्टर के पास नहीं गए तुम? दवाई लाया था, फिर गंदा था, मिला था अपने आप। 84-85% ऑक्सीजन आ रही है बताओ, और घर में बैठे हुए हो तुम 1 हफ्ते से। खांसी वगैरह है? खाती नहीं है। सांस लेने में दिक्कत है? सांस लेने में दिक्कत है, नीचे से तो ऊपर नहीं दिक्कत है। सांस में दिक्कत हो रही है ना? चलो देखते हैं अब क्या है। ये देखो भाइयों, क्लिनिक पे ही लगाना पड़ रहा है मुझे कंसल्टेटर, तो आप लोग सावधान हो जाओ, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इस बार कोई नया वेरिएंट आ चुका है ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये मैं पहला पेशेंट देख रहा हूँ, और कलकत्ता में भी ऐसे पेशेंट मिल रहे हैं जहाँ पे ऑक्सीजन कम हो रही है। तो देखना पड़ेगा, थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। तो हमने क्लिनिक पे ये लगा दिया है, अभी देखते हैं। देखना भैया कितना ऑक्सीजन सेचुरेशन अभी आ रहा है। अभी भी कम है, 88-89। थोड़ा बढ़ाओ भाई इसको, ऑक्सीजन को। हमने स्टेराइड का इंजेक्शन दिया है, साथ में ये दिया है, और अब इनको एडमिट करने के लिए हम रिफर कर रहे हैं पेशेंट को। देखा आपने, पेशेंट की ऑक्सीजन 84-85% के आसपास आ रही थी, हार्ट रेट 120 से ऊपर था और फीवर 103 था। नेचुरली आपके मन में एक ही डर होगा कि कहीं ये कोविड तो नहीं है ना, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादातर पेशेंट में हम जब देखते हैं कम आ रही है, तो मन में इस समय एक्चुअली जब से कोविड शुरू हुआ तो सबसे पहले मन में कोविड ही आता है। इस पेशेंट में मेरा दुर्भाग्य ये रहा, हालांकि मैंने इनको उसी समय एक फीवर का इंजेक्शन दिया, एक एंटीबायोटिक दिया और एक स्टीरॉयड का इंजेक्शन दिया, और साथ में हमने इसको ऑक्सीजन भी लगाई। लेकिन हमारा दुर्भाग्य क्या था कि मैंने इस पेशेंट को एडमिट करने के लिए रिफ़र कर दिया अपने ही अंडर में। पेशेंट हॉस्पिटल चला भी गया, लेकिन वहाँ पहुँच के फिर पेशेंट वहाँ से गायब हो गया। उन्होंने मना कर दिया कि हम एडमिट नहीं होंगे, पेशेंट चला गया। अब मेरा दुर्भाग्य यही है कि मुझे नहीं पता कि उस पेशेंट को कोविड था या नहीं था, क्योंकि वो एडमिट होता तो सारे टेस्ट होते तो पता चल जाता। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि क्या हर कोई पेशेंट जो इस समय आएगा फीवर के साथ, जिसकी ऑक्सीजन कम है, क्या क्या वो कोविड ही होगा? क्या
क्या वो डेल्टा टाइप का पेशेंट हो सकता है। मैंने जब इस पेशेंट के पुराने पर्चे देखे तो मुझे एक पर्चे पे ऑक्सीजन 90% 91% के आसपास लिखी हुई नज़र आई। और जब मैंने डिटेल में हिस्ट्री ली और जब पुराने पर्चे देखे तो उनमें भी कुछ सांस की दवाइयां लिखी हुई थी, जिसमें ब्रोंकोडायलेटर लिखे हुए थे, जिसमें स्टीराइड लिखे हुए थे। इसका मतलब था कि पहले भी पेशेंट को कुछ सांस की प्रॉब्लम रहती थी। तो अब ये कह पाना बड़ा मुश्किल था है, क्योंकि मेरे पास कोई टेस्ट नहीं था जिसके बेस पे मैं अब ये बता पाऊँ कि इसको कोविड है इस पेशेंट को या नहीं है, क्या कोविड निमोनिया है, क्या डेल्टा टाइप का कोई वायरस हुआ है कोविड इन्फेक्शन, मुझे नहीं पता। तो मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे इस पेशेंट के बारे में ज़्यादा नहीं पता। मैं कोशिश पूरी करूँगा इस पेशेंट को ट्रेस करने की, क्योंकि पता होना चाहिए, क्योंकि दूसरों अगर कोविड है तो दूसरों को भी फैलाएगा। लेकिन पेशेंट बिना बताए कहाँ से हॉस्पिटल से गायब हो गया। अगर बता के जाते, मैं हमेशा पेशेंट को बोलता हूँ कि अगर आपको एडमिट नहीं होना तो एटलीस्ट आप बता दो डॉक्टर को कि कम से कम वो इतना तो कर दे कि आपके लिए आप ही का नुकसान है इसमें। अब हो सकता है किसी और हॉस्पिटल में चला गया हो या कहाँ चला गया, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि ये भी हो सकता है उस पेशेंट को पहले से कोई सांस की प्रॉब्लम हो और कोई इन्फेक्शन हुआ हो। वो टीबी भी हो सकती है, वो निमोनिया भी हो सकता है, वो कोविड भी हो सकता है, हमें नहीं पता। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि ये कि अभी बहुत जल्दी, क्योंकि जैसे कोविड कलकत्ता से रिपोर्ट आई थी कि जी हाँ जी ऐसे पेशेंट आ रहे हैं, तो अभी मैं इस बारे में ये श्योर नहीं हूँ कि ये जो पेशेंट था आज जो मैंने देखा, जो आपको दिखाया वीडियो, कि क्या ये कोविड निमोनिया का पेशेंट था, क्या ये डेल्टा ही था, डेल्टा टाइप का ही कोई वायरस कोविड था या कुछ और प्रॉब्लम थी। क्योंकि इसके पुराने पर्चे देखे मुझे डाउट हुआ कि शायद इसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम पहले भी कोई थी, लेकिन उसके ऊपर क्या कोई निमोनिया हुआ है, क्या इसको ट्यूबरक्लोसिस थी, क्या कोई और इंटरस्टिशियल लंग डिजीज थी, नहीं पता। क्योंकि पेशेंट आया नहीं, पेशेंट का मैं आगे कैसे वर्कआउट करूंगा मुझे नहीं पता। तो इसीलिए आपसे बोलूंगा कि डरने की बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं दोबारा ऐसा पेशेंट आने वाले 10-15 दिन में 5-7 दिन में फिर दोबारा देखता हूँ तो फिर पक्का मेरे कान खड़े हो जाएंगे और बहुत कुछ सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। क्योंकि दिल्ली में डेथ का आंकड़ा 1 से 3 के बीच में चल रहा है पिछले एक हफ्ते से, और थोड़ा सा मुझे मैं अलर्ट तो हूँ इसीलिए। और वैसे भी हम हर पेशेंट का, और मैं अपने जूनियर डॉक्टर से भी कहूँगा, जो भी पेशेंट आपके क्लिनिक पे आए उसका ये 3 पैरामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर से उसका पल्स, ऑक्सीजन और उसका बीपी, ये चेक जरूर करें, तभी उस पेशेंट को अपने चैम्बर में बुलाएं, ठीक है। क्योंकि फीवर वाले पेशेंट को मैं अपने चैम्बर में नहीं बुलाता हूँ, मुझे बाहर जाके देखना होता है पूरे प्रिकॉशन के साथ, ठीक है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन थोड़ा बहुत अभी भी हम कर रहे हैं, हालांकि उतना नहीं हो पा रहा है जितना पहले हो रहा था। तो इसीलिए आपसे बोलूँगा कि अभी डरे मत, लेकिन चुकन्ना रहना पड़ेगा। और क्योंकि WHO ने भी आज ये, हालांकि WHO के बारे में हम क्या बोलें वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये जो नए नए वेरिएंट आ रहे हैं तो निगाह रखनी पड़ती है, थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, बट दैट्स ऑल। और इतने बोलूँगा, अगर आप लोगों को फीवर होता है तो आप अपनी ऑक्सीजन जरूर चेक करते रहिएगा। इस पेशेंट का भी 5वां 7वां दिन था शायद ये फीवर के बाद, जहाँ इनकी ऑक्सीजन कम हुई है, मुझे नहीं पता, उसने चेक ही नहीं करी होगी ऑक्सीजन, क्योंकि जिस बैकग्राउंड का वो पेशेंट था मुझे नहीं लगता उसको ऑक्सीजन चेक भी करी होगी। उनको ये भी पता होगा कि पल्स ऑक्सीमीटर होता गया, मुझे नहीं लग रहा। तो चलो एनीवेज, मैं आपको डराने के लिए वीडियो नहीं दिखा रहा था, सिर्फ ये दिखा रहा था कि थोड़े सावधान रहिए, अलर्ट रहिए, दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। कोशिश करूंगा इस पेशेंट का, अगर मुझे पता चलता है कि इसको क्या निकला, क्योंकि मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है और आपको बताना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।